On that day, I taught you poem, Unit 5, the second semester course. Don't be afraid of the dark. This is Unit 5 mein first part hota. In Unit 5, second part is chapter. Chapter Unit 5 mein Helen Keller. Student, this story is very interesting. You listen carefully. I am telling you listen carefully, but you are not in the class. You are sitting at home. When you watch the video, listen carefully what I am telling. And please, my humble request to all students, you read lesson, chapter every day 10 minutes. Aapko reading aapko must hai. Isi jo main padha rahi hu, isi tarah se you also read at home. Now the story of one girl. That girl name is Helen Keller. A girl hai, baby girl hai. Uska naam hai Helen Keller. You should see, nothing is impossible. Everything is possible. कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर पाते हैं. ऐसे बच्चे भी हैं जो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो भी अच्छे से काम करते हैं. Then why we not? Why we say कि मैं मुझे ये नहीं आता है? Any student can't tell these words कि हमें मुझे नहीं आता है. मैं listen here student. प्रैक्टिस मेक माइंड परफेक्ट. कोई भी काम हम प्रैक्टिस से करेंगे तो हमें जरूर आएगा. सो यू प्लीज डोंट से मैम हमें नहीं आता है, वी डोंट नो हाउ टू डू. दिस स्टोरी यू लिसन केयरफुली. द स्टोरी इज ऑफ बेबी, स्मॉल बेबी गर्ल. द नेम इज ऑफ गर्ल दैट हेलन केलर. शी वॉज नॉट सीन. न वो देख पाती थी, न वो सुन पाती थी. Okay, now the chapter with not with you. आप अभी बुक खोल के नहीं बैठे हो. When I send the video, you will see. But now I am starting the chapter. It was a summer of 1880. Summer का time था, गर्मी का time था. ये story 1880 की है, अभी की story नहीं है. ये बहुत पुरानी story है, but अब तक उनका नाम चल रहा है क्योंकि उन बच्चों ने भी ऐसा काम किया था जो नर्स देखने पास होने के बाद ही वो काम करते थे. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. एक छोटी सी बेबी बॉर्न हुई थी अलबामा में. जो उस शहर का नाम क्या था, सिटी का नाम क्या था, अलबामा. Her parents loved dearly and named her Helen Keller. उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे और उन बेबी का नाम क्या रखा था, हेलन केलर. But one day, एक दिन की बात है, the baby become ill. एक दिन हुआ था कि बेबी इल मींस बीमार हो गई. एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. दिन ब दिन उसका फीवर बहुत बढ़ता जा रहा था. एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर. जो भी इसकी फैमिली के मेंबर्स थे बहुत ट्राई करते थे कि उसका फीवर कम हो. उसको उन्होंने बहुत हेल्प की, बट ऑल दे कुड से वाज, वो सब हैरान थे कि उसका फीवर कम क्यों नहीं हो रहा था. There is nothing more we can do. बोलते इससे ज़्यादा हम कुछ कर सकेंगे नहीं, कर सक पाएंगे क्योंकि इतनी हेल्प करने के बाद भी उस बेबी का फीवर कम नहीं हो रहा था. द बेबी मे नॉट लीव. वो वैसे बोले थे जो उनके पेरेंट्स, जो भी इनके रिलेटिव थे, कि बेबी अब वो ज़्यादा दिन जी पाएगी नहीं. हेलन लिव्ड, पर हेलन तो लिव्ड थी, वो जिंदी थी. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर इलनेस. जैसे बेबी वो थी बीमार होने के बाद, वो सेम ऐसी नहीं रही थी कि बीमारी के बाद उसकी बॉडी में प्रॉब्लम हो गया. समथिंग इज वेरी रॉन्ग. उसके सब पेरेंट बोलते हैं कि वो जो बेबी हमारे पहले थी अभी वो ऐसी नहीं रही है, कुछ तो उसमें है. हर मदर से उसकी मामा बोलते हैं, एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. लास्ट में उनको मालूम पड़ गया कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या रॉन्ग थिंग है जो वो इसकी बॉडी ऐसी हो गई है. The child could not see or hear. The child could not see or hear. See mana dekhna. See means dekhna. Hear means sunna. Na wo dekh paati thi, na wo sun paati thi. The baby grew into little girl. Jab pehle chote bacche hote hain, aap bhi chote bacche the, pehle baby jab born hue the bahut small kid the, fir thode bade hue, fir thode bade hue. Aise bite aise bade hue na, is tarah wo baby chote mein thodi wo girl hui, choti si girl ho gayi.
Her parent felt sorry for her. उसके parents को sorry बोलते हैं. Helen often cried and held her on her mother. वो जो Helen थी, बहुत cried means rona. वो बहुत रो रही थी. Her parents felt sorry for her. Parents को sorry बोला. उसके बाद Helen often cried and held on her mother. उसका जो अपना सर रख के मम्मी के ऊपर वो बैठ के रो रही थी. Give the poor child what she want. वो बोलते हैं अभी इसको हम ये poor child रो रहा है, उसको हम क्या दें? Her father would say, इसके पापा बोलते हैं, though Helen could not hear or see. उसको बोलते पापा बोलते हैं ना वही बच्चा हमारी baby girl ना बोल पाती है, ना सुन पाती है, ना देख पाती है. She was a bright. Do you know what is meaning of bright? Bright means clever. Bright means clever. ये meaning है bright की meaning है. Bright means clever. Little girl. She was a bright, clever, bright little girl. Some people thought Helen could not learn. कई पर ऐसे लोग बोलते थे कि Helen कुछ भी सीख पाएगी नहीं. Her mother did not agree. Agree means उसकी मम्मी को ये बात विश्वास नहीं था कि जो तुम बोल रहे हो ऐसे होगा. उसे कबूल नहीं था. वो बोलती थी मम्मा कि मेरी बेटी कुछ तो सीखेगी. Helen is very smart. वो Helen बहुत smart थी. She could not say and edit. The problem is how can we reach her. तो कैसे हम इसके problem जो है उसके problem solve कैसे हो, वहां तक हम कैसे पहुंचे. She is locked up inside herself. उसने अपने आप को inside lock कर दिया. Helen began to grow wild. Wild means without good manners. Wild means without good manners. Wild means देखो अगर बच्चे स्कूल जो बच्चे नहीं पढ़ते सपोज तो उनको मैनर्स कम मिलते हैं कि स्कूल आने के बाद हमको बहुत कुछ सीखना मिलता है. पेरेंट्स आपके सिखाते हैं. देन आल्सो स्टूडेंट और मिस नॉट लिसनिंग टू पेरेंट बट जो स्कूल की जो मैम बोलते हैं उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बच्चे वर्ड कैच कर लेते हैं. अगर इफ यू आई एम यूजिंग अब्यूज वर्ड अगर मैं कोई अब्यूज वर्ड यूज करती हूँ मीन्स गंदा वर्ड यूज करती हूँ तो आप उसको पकड़ लोगे मैम ने ऐसा बोला. अगर मैं अच्छा वर्ड बोल रही हूँ तो भी आप पकड़ोगे कि मैम ने अच्छी बात बोली. तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू मच. स्कूल अगर हम नहीं आते हैं तो हम कुछ भी सीख नहीं पाते. विदाउट स्टडी नो लाइफ. पढ़ाई के बिना हमारी लाइफ अधूरी है. पढ़ाई के बिना हमारी लाइफ अधूरी है. इस तरह से ये जो बेबी थी हेलन केलर शी वाज सिटिंग एट होम नॉट गोइंग टू स्कूल. तो उसके जो वाइल्ड जंगली तरह वाइल्ड की जंगली तरह उसमें कोई मैनर्स नहीं था. इसमें स्मार्ट थी पर उसमें कोई मैनर्स नहीं था. शी वुड नॉट लेट एनीथिंग एनीवन कॉम हर हेयर. कभी वो अपने बाल को कॉम नहीं करती थी. शी वाज नॉट डूइंग कॉम हर हेयर एनी टाइम. हर वे ऑलवेज डर्टी. जो उसके कपड़े थे ना हमेशा गंदे रहते. ऑलवेज डर्टी. वो कपड़े हमेशा गंदे पहनती थी. शी वॉज ऑफन एंग्री. ऑफन मीन्स मैनी टाइम. ऑफन मीन्स मैनी टाइम्स. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कब कभी वो उसको बहुत गुस्सा आता था नीचे वो फ्लोर पे सो जाती थी. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. तो पेरेंट्स सोचने लगे विचार कर रहे थे कि हम हेलन केलर के लिए कोई एक मैम ढूंढे जो उनको घर पे पढ़ाने आए. मिस सुलिवन अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प. एक मैम थे उनका नाम था मिस सुलिवन. वो एग्री हो गए कि हेलन केलर को मैं पढ़ाने आऊंगी हेल्प करूंगी. हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. हेलन को पूरा वर्ल्ड देखना था. देख नहीं पाती थी पर उसको देखना था. मिस सुलिवन गेव हर हेलन अ डॉल. मिस सुलिवन ने स्टार्टिंग में कोई पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने उनको क्या दिया था. शी गेव हर अ डॉल. शी स्पेल्ड DOLL डॉल. स्पेल मीन स्पेलिंग को रीड करवाना. उन्होंने DOLL डॉल बोला स्पेल. शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इन टू हेलन हैंड. वो जो वर्ड था फिंगर में बोल रही थी. फिंगर्स में DOLL ऐसे वर्ड को रिपीट करा रहे थे मैम हेलन के हैंड फिंगर्स पर.
She made the letter with special hand. Sign. Sign means action movement. Sign means action movement. अभी मैं यू सी ये फिंगर, ये फिंगर पर इसको क्या करते हैं, मूवमेंट, हाथ को हिलाना क्या होता है, मूवमेंट। तो उनको मैम उनको फिंगर से वर्ड्स को सिखा रहे थे। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड ऑल। हेलन ने मैम की कॉपी की और वर्ड को स्पेल किया, स्पेलिंग बार बार बोली। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। पर उनको मालूम नहीं पड़ा था हेलन टेलर को कि मैं क्या कर रही हूँ। हेलन लाइक मिस सुलीवन, हेलन को लाइक करती मिस सुलीवन। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वो मैम स्ट्रिक्ट थे पर काइंड भी थे, वो थे दयालु थे। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलन। मैम ने बहुत सारे वर्ड स्पेल किए थे उनको सिखाने के लिए जो वर्ड है। ऑन हर हैंड डे एंड नाइट। मैम ने दिन रात करके उनको सुलीवन को, सुलीवन मैम ने हेलन केलर को दिन रात करके उनको हेल्प की। टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। जैसे मैम हेलन को सब कुछ मालूम पड़े इसलिए मैम ने बहुत मेहनत की। टेकर डे एंड नाइट फॉर हर। शी गेव हर सम न्यू न्यू वर्ड्स टू हर दैट शी कैन अंडरस्टैंड। वन डे हर मदर हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड लिटिल रनिंग वाटर। एक दिन मैम ने क्या किया, पानी बह रहा था, शी डिप द फिंगर इन द वॉटर। देन शी स्पेल, तब उन्हें मैम ने बोला डब्ल्यू ए टी आर वॉटर। यू नो वॉटर, वॉटर मीन्स पानी, आपको मालूम है। Suddenly Helen understand that water. अब हेलन को मालूम पड़ गया जब हाथ डालने के बाद कि ये पानी है। वाटर स्पेलिंग जब मैम ने बोला डब्ल्यू ए टी आर वाटर, तो उसको मालूम पड़ गया कि ये पानी है। पानी वो क्या था, वेट मीन्स जैसे अपन बारिश में जाते हैं तो कपड़े भर कैसे वेट हो जाते हैं पानी वाले, तो उसको वेट वेट पानी भी नहीं लग रहा था, तो मालूम पड़ गया कि ये वाटर है। रनिंग ओवर हैंड, हैंड पे वो पानी बह रहा था। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड, उसको मालूम पड़ गया कि ये पानी है। वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स मेन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स मेन। मेन थिंग्स इन द वर्ल्ड, उसको मालूम पड़ गया कि बहुत सारे वर्ड्स इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड में जो मुझे सीखना है। वर्ड would tell her everything she wanted to know. जो जो words world में है उसको world, वो words सबको सीखने थे। तो student, everything is possible, nothing is impossible. कोई भी कोई word कुछ भी सीखना impossible नहीं है, everything is possible. तो इसका main क्या है, moral क्या है, practice made man perfect. उसने कोशिश की कि मुझे सीखना है मुझे, बट वो सुन नहीं पा रही थी। She is not hearing, not listening. Then also she want to learn.